Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear students, parents and other, Assalamu alaikum. जैसा कि आप जानते हैं कि हम MDCAT के हवाले से आपको हर खबर से आगाह रखे हुए हैं और जहां MDCAT का मसला चल रहा है उसकी हर खबर हमने आपको दी है और जितनी भी हमने आपको खबर दी है किसी भी तरह की थी वो 100% आपने देखा होगा कि सच साबित हुई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड मैरिज जो बनने जा रहा है वो कितना है। असल में सारे पेपर हो चुके हैं और सारे पेपर होने के बाद जो अंदर की खबरें हैं वो कितने बच्चे पास हुए हैं और मैरिज कहां तक एक्सपेक्टेड है वो सारा क्लियर हो चुका है, तो वो हम आपको बताएंगे। जो अभी तक आपने किसी और चैनल पर नहीं देखा होगा, किसी से कोई खबर नहीं सुनी होगी, लेकिन बात असल में ये है कि इस दफ़ा जो MDCAT हुआ था वो आपको सब जानते हैं कि 30 अगस्त शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक ये चला है, तो तकरीबन 31 जो इसके दिन बनते हैं और हर दिन दो पेपर हुए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल पेपर हुए हैं वो हैं 62 पेपर हुए हैं। और उसमें आपको सबको पता है, हम आपको बार बार बताते भी रहे हैं कन्फ्यूजन क्या थी, वो डिफरेंट आ रहा था हर बच्चे को, किसी को आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, फलां फलां फलां, ये सारी बातें हम आपको पहले बता चुके हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि 150 प्लस कितने बच्चों के आ चुके हैं, जो कि दो हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि 150 प्लस कितने बच्चे आ चुके हैं। और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि 180 प्लस कितने थे। और उसके बाद हमने वीडियो एक अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि फार्मूला ये है, इस फार्मूले के तहत आपके नंबर जो है वो मेरिट निकाला जाएगा, नंबरों में उसको डाल के तो आपका मेरिट निकाला जाएगा और जितना मेरिट बनेगा उसी हिसाब से आप अपना एग्रीगेट बना सकते हैं। वो वीडियो आप भी अभी भी चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर उसी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके एजुकेशन न्यूज़ को आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ MDCAT की जो खबरें हैं वो आपके सामने आएंगी। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हम आपको वो डिग्री, अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं होता तो आपको वो डिग्री जो BS में होती है और आप उसको करने के बाद आप MBBS जैसा ही स्टेटस हासिल कर सकते हैं, वो भी हम आपको रोज़ की एक आध वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। और अगर आप वो नहीं देखी अभी तक तो इसी चैनल पर आप जाएं और ऑल BS प्रोग्राम को क्लिक करके आप उसमें अलाइड हेल्थ साइंस वाली सारी BEd प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसमें आप MBBS जितना ही स्टेटस हासिल कर सकते हैं, आप अपना जो है वो डॉक्टर नाम के साथ लिख सकते हैं, उसमें आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जो MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन होता है वो आप BSc करने के बाद कर सकते हैं, इसलिए उस BS प्रोग्राम को भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इस साल का जो मेरिट है वो हम आपको बताते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो रहा है, क्या बनने जा रहा है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा जो है हौसला बढ़ता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और आपका कोई ख़र्चा नहीं होता। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो MDCAT है वो हम जिस तरह आपको सारी खबरें दी हैं उसमें हमने आपको बताया था कि फार्मूला क्या है, 10% आपको बता दिया गया था कि जो मैट्रिक के हैं, 40% आपके FSC के हैं और 50% आपके जो होंगे वो होंगे आपके MDCAT के, तो इस तरह आपका 100 में से आपका मेरिट बनेगा। तो आपको पता है कि इस तरह जो मेरिट बनना, हमने आपको एक पहली वीडियो में बताया था कि एक्सपेक्टेड जो बन रहा है वो है 83%, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि 83 बनेगा, लेकिन उस वक्त अब अभी कुछ टेस्ट नहीं हुए थे तो हमने आपको बताया था कि अभी तक जो है 180 से ऊपर कोई बच्चा नहीं गया, लेकिन अब बहुत से बच्चे इससे ऊपर भी जा चुके हैं और दूसरे टेस्ट होने के बाद ये खबर जो है वो और आई है हमारे पास। और हमने आपको ये भी कहा था कि इसके बाद जो खबरें आगे आएंगी, जो मुकम्मल डाटा होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त जो डाटा आया है वो बहुत सारे बच्चे हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बुरे तरीके से MDCAT होने के बावजूद भी जो बच्चे हैं बहुत अच्छे नंबर ले गए हैं। एवरेज नंबर तो 160 से 170 के दरमियान ही हैं और इससे ऊपर भी बेशुमार बच्चे हैं। जो कुछ दिन पहले MDCAT के जो रिपोर्ट थी वो इन्होंने खुद PMC ने जो शेयर की थी, उन्होंने कहा था जो 40,000 के करीब बच्चा जो ना हो गया है वो सारे पाकिस्तान में 40,000 के करीब बच्चा पास हो चुका है। और उस दिन भी अभी 2-3 टेस्ट रहते थे और अब इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। अब इतनी बुरी तरीके से इनको देखा गया, इतना बुरा
टेस्ट हो रहा है, बच्चे जहां एहतजाज कर रहे हैं उसके बावजूद भी मेरिट लो नहीं हुआ, और अभी तक जो खबर आ रही है रीकंडक्ट की वो भी कोई खबर नहीं है, अभी हो ना हो, अभी जो जितना बात लंबी होती जा रही है उतने ही रीकंडक्ट के चांस कम होते जा रहे हैं। तो इस साल जो मेरिट बढ़ रहा है, हमने जो आपको बताया था, ये उससे भी बढ़ चुका है। बेशुमार बच्चे जो हैं वो आपके देख सकते हैं, आपके इलम में भी होगा कि बहुत सारे बच्चे पास हो चुके हैं इसमें, जो MDCAT में जिसके 160 से लेकर 175 के दरमियान होंगे, और FSC में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो उसकी उम्मीद है कि उसका मेरिट बन जाएगा। आप अपने जो नंबर हैं, इससे हमारी पहली वीडियो इससे कुछ दिन पहले हमने अपलोड की थी, उसमें फार्मूला है ज़र्ब तकसीम सारी, उसमें आप रख के कर लें और अपने देख लें कितने बन रहे हैं आपके। और अगर आपके MDCAT में 160 से लेकर 175 के दरमियान है तो उम्मीद है कि आपका बन जाएगा। और जो मेरिट बढ़ने की खबर आ रही है वो 88 से लेकर 91 के दरमियान है। जी हाँ, ये बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि MDCAT हम जानते हैं कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से जो जीनियस किस्म के बच्चे हैं उनके नंबर भी कम आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बेशुमार बच्चे ऐसे हो गए हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, 160 से 175 के दरमियान हैं, और उनके FSC में अच्छे हैं, कुछ के रिज़ल्ट आ चुके हैं, कुछ के नहीं हैं। तो आप अंदाजन भी, जिनका नहीं आया तो वो भी अंदाजन भी आप लगा सकते हैं। और रिज़ल्ट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है पंजाब में वो 5 अक्टूबर को आएगा, तो 5 अक्टूबर के बाद भी आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप इसमें रखें और अपना उस फार्मूले में अपना निकाल के देखें मेरिट कितना बनता है। तो 80 के दरमियान 88 जो है वो उम्मीद की जा रही है कि बॉटम में होगा, और टॉप जो होगा या जो शुरू होगा MDCAT वो 91 के 80 से लेकर 91 के दरमियान मेरिट बनेगा, और इससे लो नहीं होगा। इतने बच्चे होने के बावजूद भी, फेल होने के बावजूद भी, इतना जो घटिया किस्म का टेस्ट होने के बावजूद भी, जिसमें बच्चों की परेशानी का सबब बनने के बावजूद भी मेरिट बहुत ऊपर चला गया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे जो भी इसकी सूरत हाल होगी, क्या मेरिट बनता है क्या नहीं है, इसकी मुकम्मल डिटेल हम फिर भी आपको बताएंगे अगर इसमें कमी कोताही होती है तो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।